जॉब टाइटल नहीं बताना है, आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट इज नॉट योर जॉब रोल, दैट इज योर डेजिग्नेशन. टॉक अबाउट योर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सामने वाला वो देख करके अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है, जितना वो फजी होगा वो कुछ समझ में नहीं आएगा. दो तरीके होते हैं इंटरव्यू के, या तो आप इंटरव्यूअर को अपनी अकॉर्डिंग चला दो या उसके अकॉर्डिंग चला दो. बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो बार बार आपकी बात काटता जाता है. अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, विच इज अराउंड माय वर्क प्रोफाइल. कि अगर आपका प्रायर वर्क एक्सपीरियंस रहा है देन व्हाट अबाउट दैट, व्हाट आर द टिपिकल क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड अबाउट योर वर्क प्रोफाइल. सपोज इफ अ स्टूडेंट इज वर्किंग, उसे पूछा जाएगा आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, व्हाट इज योर जॉब रोल, सो ही शुड बी एबल टू टेल. ठीक है, एंड स्पेसिफिकली टू दैट क्वेश्चन. बड़ा सही बात है, क्योंकि कई बार होता है बच्चे ना बड़ा जनरल आंसर देते हैं, आप क्या हो, मैं आज मैं मार्केटिंग मैनेजर. ही विल से ओनली द डेजिग्नेशन, आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. That is not your job role. That is your designation. So you should talk about your job and responsibilities. And also you can talk about, say, suppose if you are working on a project, you can talk about that project. What is that project and what is your role in that? So that the visa officer will get more clarity on that. हाँ नहीं देखो बिल्कुल सही बात है. हमारे को एक पिक्चर पेंट करनी है. मैं बच्चों जब बच्चों को गाइड कर रहा हूँ यार, अपना रेज्यूमे बना रहे हो या अपना एसओपी लिख रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, तो इट इज लाइक पेंटिंग अ पिक्चर. सामने वाला वो देख करके अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है. आप उस पिक्चर को जितना क्लियर कर पाओगे, उसमें जितना कलर भर पाओगे, उतना वो आपके आपको अप्रिशिएट कर पाएगा, और जितना वो फजी होगा वो कुछ समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज टिपिकली द मोस्ट लाइक कॉमन क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड, व्हाट इज योर जॉब रोल और व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल. एंड इन दैट व्हाट आमिर यू मेंशनड, बिल्कुल सही बोले यार, बिल्कुल कि यार जॉब टाइटल नहीं बताना है. भाई मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, नहीं मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ एंड मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लुक एट यू नो वेरियस एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स फॉर माई कंपनी ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन एंड गूगल, एंड आई मैनेज द ओवरऑल बजट एंड द आउट यू नो डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्मेंस फॉर द कंपनी. तो थोड़ा सा अगर उसको इस तरीके से बताएंगे, छोटे में बताना है, मगर सामने वाले को समझ में आएगा कि अच्छा ये मार्केटिंग मैनेजर है, बट ये डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है. एंड इट विल आल्सो हेल्प द वीजा ऑफिसर टू अंडरस्टैंड हिज प्रोफाइल बेटर, एंड ही कैन कोरिलेट द कोर्स फॉर व्हिच ही इज गोइंग. तो वो एक अच्छा है कि आप वहीं पे अपनी क्लैरिटी दे रहे हो. ठीक है, आप मैं तो यहाँ पे बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि सब आपके जॉब रोल के बारे में बात होती है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप वहाँ पे एक पॉइंट डाल दो, ताकि जो वीजा ऑफिसर, दो तरीके होते हैं इंटरव्यू के, या तो आप इंटरव्यूअर को अपनी अकॉर्डिंग चला दो या उसके अकॉर्डिंग चला. ठीक है, अब मेरे से पूछा गया है जॉब रोल के लिए, अब मैंने अपनी जॉब रोल बताई, वहीं पे मैंने एक पॉइंट डाल दिया कि मेरे पास में अभी ये जो स्किल्स हैं ये नहीं है, यहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके मॉड्यूल्स क्या क्या पढ़ने वाले, आप उसको यहाँ पे कवर कर दो. तो आप खुद ही इंटरव्यूअर को लीड कर सकते हो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू गोइंग फॉर दिस कोर्स और हाउ विल दिस कोर्स हेल्प यू इन ओवरकमिंग योर शॉर्टकमिंग. तो आपने अपने जॉब रोल के अंदर बता दिया, देखो बट मेरे पास अभी फुल स्किल्स नहीं है टू मैनेज, मैं अभी सिर्फ मैं लेट्स से पेड मार्केटिंग में ही देखता हूँ, बट मेरे पास अभी होलिस्टिकली मार्केट और ब्रांडिंग करने का एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं मिला है मेरे को, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू आल्सो लर्न. तो वो समझ में आएगा कि अच्छा ये कोर्स कैसे हेल्प करेगा. तो इट्स अ वेरी नाइस वे आमिर टू यू नो कि भाई आप इंटरव्यू को या तो खुद कंट्रोल कर लो या इंटरव्यूअर को कंट्रोल कर ले. बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो बार बार आपकी बात काटता जाता है, बच्चा जवाब दे रहा हूँ बार बार काटता जा रहा है, तो उस टाइम अगर उसको काट रहा है, लेट्स से कि आपको एक मिनट का इंटरव्यू होगा मुश्किल से, वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि वो आपसे सुनना क्या चाह रहा है. ठीक है, वो आपसे दो या तीन मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा चार. एक मिनट, मेरे बच्चे का इंटरव्यू हुआ दैट इज ओनली फॉर 30 seconds एंड ही हैज बीन आस्क्ड 3 questions, व्हाट वाज योर मेजर्स इन योर बैचलर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंडिंग एंड व्हाट इज योर रोल इन दैट प्रोजेक्ट इन विच यू आर वर्किंग. ये 3 questions है, अब 30 seconds में कितना ही बोलेगा, राइट? तो अगर वो जो सुनना चाह रहा है आप उसको वो सुना दोगे शुरू के 5 seconds में, वो दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाएगा, भाई मेरा आंसर टेक हो गया, सही है, आगे बढ़ो. एंड ऑफ कोर्स उनके पास सामने उनको एक बहुत लंबी लाइन दिख रही होती है लोगों की, यार उन्हें वो सब लोगों के इंटरव्यूज लेने. तो आई थिंक ये पार्ट भी क्लियर हुआ, मतलब वर्क एक्सपीरियंस के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉब टाइटल नहीं, जॉब अपने रोल को डिस्क्राइब करो, एंड अगर वहीं पर आप लीड कर सकते हो कि मेरे लिए अब ये स्किल्स हैं जो मेरे लिए आगे मैं करना चाहता हूं. अब आते हैं जो सबसे ज्यादा जिसमें बच्चे घबराते हैं, इज मोर अराउंड योर फाइनेंशियल प्रोफाइल. सो दोस्तों, वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड.